हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टॉलवीन व्हेन ट्रीटेड विद Br2Fe गिव्स पैरा ब्रोमो टॉलवीन एज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज द CH3 ग्रुप इज। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा बच्चों, वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इस रिएक्शन में जब एक कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है ग्रुप किसी कंपाउंड पे, तो उसमें एक कोई भी जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप या एटम है वो रिप्लेस होके जो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करा वो वहां से अटैच हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इस रिएक्शन को हम देखें बच्चों, अगर सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉलवीन क्या होता है। तो बच्चों, जब बेंजीन रिंग पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको हम बोलते हैं टॉलवीन। ये टॉलवीन कंपाउंड है हमारा। अब इस पे क्या हो रहा है, जो हमारा हमें जो रिएक्टेंट गिवन है बच्चों, वो Br2Fe है। इससे रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें बच्चों क्या होता है, जो Br+ होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये आके अटैक करता है। तो अब क्या होता है बच्चों, जो हमारा CH3 ग्रुप होता है, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि जो CH3 ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होता है। आई मतलब बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये प्लस आई ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होता है। तो इसके कारण, और ये जो जो भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं ऑर्थो, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ये होते हैं। अब बच्चों होता क्या है कि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल Br+ है उसके पास कौन कौन सी पोजीशंस हैं अटैक करने के लिए बच्चों? तो ये और ये ऑर्थो पोजीशंस हो गए अटैक करने के लिए, और ये एक पैरा पोजीशन है, यहाँ यहाँ पे ये अटैक कर सकता है। तो अब बच्चों, जब इस पे Br+ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर सबसे पहले हम ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाए बच्चों, ये CH3 ग्रुप यहाँ पे हो गया और यहाँ पे सपोज Br ऐड हो गया, ये हमारा ऑर्थो हो गया। और उसके बाद जो हमें सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा, सिंस CH3+ आई इफेक्ट शो करने के कारण पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी है, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया बच्चों। अब मेन कंसेप्ट ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो CH3 है और ये Br ग्रुप है, ये दोनों बड़े ग्रुप्स हैं, तो यानी कि ये आपस में स्टीयरिक हिंड्रेंस शो करेंगे, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, जो ये प्रोडक्ट, ये हमारा जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, इसका इसके फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी कम होगी, यानी कि ये क्या बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और हमारा जो पैरा पोजीशन होगा वो इजीली ऑक्यूपाई हो सकता होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा है। तो दैट इज, जो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज, जो हमारा टॉलवीन को जब हम Br2Fe से रिएक्ट करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो दोनों बन सकता है हमारे पास, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन सकता है और पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, बट मेजोरिटी में जो हमको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा और हमको ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर फॉर्म में मिलेगा। अब अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, CH3 ग्रुप इज अ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।